एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स से चार्ट मास्टर ग्रुप। तो ट्यूसडे के लिए यानी आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले ग्लोबल क्यूब का कंडीशन भी देख लेंगे। तो बहुत सारे लोगों का सीपी होल्ड किए होंगे। सी वाले ज़्यादातर यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, पी का तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, तो कल मैं कुछ भी कॉल सबको नहीं दिया था क्योंकि मार्केट में इस टाइप का कंडीशन था कि कोई भी इंट्राडे कॉल मुझे दिख नहीं रहा था। पहले से ही जो कॉल था बहुत फास्ट मूव हुआ पी में, तो इसको भी मैं नहीं दिया था आप लोगों को। तो पहले डाउ जोन का कंडीशन देख लेते हैं, हम डेली चार्ट में देखेंगे। तो डेली एनालिसिस अगर डेली चार्ट में अगर देखेंगे, डाउ जोन एक ही रेंज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। कल अगर देखेंगे डाउ जोन में लगभग 100-150 पॉइंट का ही मूव हुआ है। इसमें की बात डाउ जोन लगभग 45 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुए। मतलब डाउ जोन के लिए अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 37,800, एंड इसके बाद जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनेगा दैट इज 34,100 टू 34,300, ये रेंज है। ठीक है, ये 34,300 मैक्स, एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहा है अगर आप देखेंगे ये लगभग 34,000 का आसपास है। तो ये जो 34,000 अप टू 34,300 ये जो लेवल है ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। एंड करेंटली 33,800 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। इसके वजह से मार्केट लगभग यहाँ पे 6 से 7 दिन एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। आगे बड़ा बड़ा इवेंट्स भी है पेड़ का, तो इसीलिए शायद मार्केट इसके लिए भी वेट कर रहा है। तो अगर मार्केट को, मेरे हिसाब से अगर मार्केट को नीचे जाना होता हो तो यहीं से रिजेक्शन होकर नीचे चला गया होता। लेकिन एक रेंज में और एक अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास अगर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे अगर होल्ड करके रखा है, ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट मैक्सिमम केसेस में ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर एक बड़ा मूव दे देता है। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में अभी भी पॉजिटिवनेस है। तो पॉजिटिवनेस तो स्टार्ट हो गया है, तो अभी भी मार्केट में ब्रेकआउट का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी अगर देखेंगे US 30 लगभग यहाँ पे 32-40 पॉइंट पॉजिटिव में चल रहा है। इसके चलते हमारा SGX निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,240 के आसपास। ठीक है, तो लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इतना बड़ा भी गैप अप नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करके देखेंगे डे चार्ट में। तो निफ्टी का अगर आप एनालिसिस करके देखेंगे, यहाँ पे निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा वो रहेगा 18,350, एंड सपोर्ट अभी जो बन रहा है 18,100 के आसपास। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे क्या हुआ है मेरे हिसाब से, निफ्टी क्या किया है यहाँ पे, इस लेवल को ब्रेक किया लेकिन इतना अच्छे से ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर तो गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मेरे हिसाब से रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में और एक मूव आने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन इस वीक में होगा या नेक्स्ट वीक में होगा ये थोड़ा बोलना मुश्किल है क्योंकि इस वीक में फेड का मीटिंग से US का मार्केट भी 2 दिन छुट्टी रहेगा, तो मार्केट में डेफिनेटली एक पॉजनेस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए निफ्टी का क्या कंडीशन रहेगा इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट का चार्ट में, और 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट में देख लेते हैं। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये वाला भी हटा देते हैं। तो अभी देखिए निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाता है 18,180 के आसपास अगर ओपन होता है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए पहला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा वो रहेगा ये लेवल। ठीक है, 18,250 का लेवल और 260 का लेवल, इसको अगर मार्केट क्रॉस करेगा देन सेकेंड टारगेट आपका मिलेगा 18,350, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी बन चुका है। एंड ये अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तब भी जाके हमें और एक टारगेट मिलेगा ऊपर की तरफ से, जो मुझे नहीं लग रहा है कि आज का दिन में पॉसिबल है। तो आज के लिए हमारा पहला टारगेट जो है 18,260 रखिए, इसको होल्ड करेगा तो 18,350 देन 18,430, ये अपसाइड का टारगेट मैं बोल रहा हूँ आपको। और नेगेटिव में, नेगेटिव साइड में अगर नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे एक 18,140 के आसपास जो है एक प्राइस एक्शन बना चुका है ऑलरेडी, एंड इसका जो मेन सपोर्ट रहेगा आज का दिन का 18,083 और 18,085 का लेवल। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो डायरेक्टली आप 17,950 का लेवल भी देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बड़ा बात नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे
अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 18,085 का लेवल, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 17,150 का लेवल, 160 या 150, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। बहुत फास्ट मूव हो सकता है नीचे, ठीक है। तो ये वाला याद रखिए, निफ्टी का कंडीशन में जो जो बोला आपको। बैंक निफ्टी का कंडीशन देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी उसी टाइप का निफ्टी जैसा ही कंडीशन बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या किया है, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है। 15 मिनट का अगर देखेंगे, देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन बनाया था बैंक निफ्टी, इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, एक पॉजिटिवनेस दिख रहा है। तो इसके हिसाब से मार्केट में पहला टारगेट, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़ा ओपन होता है, तो बैंक निफ्टी के लिए पहला जो फास्ट मूव रहेगा, फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा 100 पॉइंट्स का अप टू 42,475, इसके बाद 42,600, ठीक है। ये दो टारगेट, इसको अगर मार्केट क्रॉस करेगा तो देन 42,750 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो ये तीन टारगेट आप अपसाइड के लिए रखिए, 42,475, 42,600 एंड 42,740। एंड डाउन साइड में अभी बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बन चुका है, ये वाला ये लेवल है 42,200, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर लेगा तो हमें यहाँ पे 41,980 या 950 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है अब देख सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जा सकते हैं कहाँ तक, 41,900 तक भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा डीप का जो चांसेस है, अगर मार्केट रियल में रिटेस्ट करता है इसका लेवल को जो ब्रेकआउट हुआ था, तो ये लगभग 41,500 के तरफ भी जा सकता है। अगर आज का जो 41,950 ये लेवल अगर मतलब अगर सस्टेन नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमें आज या कल हमें और भी 400-500 पॉइंट का डीप नीचे देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी फुल्ली पॉजिटिव तब होगा जब ये 42,600 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन वी कैन सी अनदर 1,000 to 1,500 मूव टुवर्ड्स अपसाइड। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। आप हमारा जो लेवल है इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के ही रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।